मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड में सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर थर्ड सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स आपको कराएंगे। कल भी हमने आपको कुछ सम्स सॉल्व करवाए थे और उसमें हमने दो सम्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आपको वो समझ में आ गए होंगे और होमवर्क में करा भी होगा आपने। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की आज आपको कुछ सम्स कराते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ई से। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर सी और डी कर लिए होंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई। 5,227 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इतने स्टूडेंट्स ने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अपना नाम रजिस्टर करवाया, जिनमें से आउट ऑफ देम 2,042 स्टूडेंट्स आर ऑफ क्लास फर्स्ट। इतने स्टूडेंट्स से क्लास फर्स्ट के 2,972 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। इतने स्टूडेंट्स से क्लास थर्ड के। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास थर्ड। और जो बाकी बच गए वो थे क्लास थर्ड के। तो हमें बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड हैव रजिस्टर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन। तो हमें बताना है क्लास थर्ड में थर्ड के कितने बच्चे थे। इतने टोटल नंबर ऑफ हमें स्टूडेंट्स दिए गए हैं जिन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अपना नाम रजिस्टर करवाया था। टोटल उनमें से हमें फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स पता हैं कितने हैं और सेकेंड क्लास के पता हैं। अब हमें निकालना है क्लास थर्ड के। तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्लास सेकेंड और फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्लस कर लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं। फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे, तो यानी जितने रह गए वो हुए हमारे क्लास थर्ड के। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर ई, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास क्लास फर्स्ट। कितने हैं टोटल क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स, 2,042। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। कितने हैं क्लास सेकेंड के स्टूडेंट्स, 2,972। अब हम इसे प्लस कर देंगे। प्लस करने पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। प्लस करेंगे इसे, टू और टू कितने हुए, 4। 2 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आया 4। 4 में हमने 7 प्लस किए तो कितने आए, 11। प्लस करना तो बच्चों अब आपको आ ही गया होगा। 11 का 1 कैरी लिखा 1। 0 में 9 प्लस किया तो इसका मतलब हुआ कि 9 ही रहा। क्यों, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अकेले, तो यहाँ कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब जब कुछ है नहीं तो 9 का 9 रहा। अब इस 9 में हम कैरी का 1 प्लस करेंगे तो 9 और 1 कितना हुआ, 10। 10 की 0 कैरी 1। 2 और 2 हुआ 4। 4 और 1 कैरी का 5। तो इतने स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट और सेकंड के हैं। अब हमें निकालने हैं क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड 5,227। अब हम इसमें से टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस कर देंगे, इज इक्वल्स टू में 5,000। कितने थे हमारे, 5,000
14, 5, 0, 1, 4, 14, इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट हो गई, क्लास सेकंड के हो गए और टोटल स्टूडेंट्स हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, क्लास थर्ड के निकालना। इसके लिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 में से 4 गए तो कितना बचा, 7 में से 4 गए 3 बचे, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 0 गया, यानी अभी बताया हमने आपको कि 0 की अकेले कोई वैल्यू नहीं होती, वो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। अब नीचे कोई डिजिट ही नहीं है तो यानी कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पे हुआ 2 का 2, 5 में से 5 गए 0, तो हमारा आंसर आया टोटल नंबर ऑफ क्लास थर्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 213। हमने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 की, अगर 0 सबसे आगे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आया 213। तो क्लास थर्ड के टोटल स्टूडेंट हुए 213। आया बच्चों समझ में? अब है क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 4839 एट 2494 टू 8। हमें कुछ चार डिजिट दी गई है, 4, 8, 3 और 9। इस डिजिट में हमें लार्जेस्ट डिजिट, इन डिजिट से बना के हमें एक लार्जेस्ट डिजिट बनानी है और एक स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, उसमें उसे माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें हमें 2494 प्लस करना है, ऐड करना है। तो आइए देख करते हैं इसे सॉल्व। सॉल्यूशन नंबर एफ, तो हम बनाएंगे सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट, क्या हुई हमारे पास है 4, 8, 3 और 9। इस डिजिट का लार्जेस्ट डिजिट है तो वो किससे, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट होगी, तो इन चारों में सबसे बड़ा हमारे पास है 4, 3, 8 और 9। इन चारों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सी है, 9, तो हमारी लार्जेस्ट डिजिट स्टार्ट होगी 9 से। उसके बाद देखेंगे हम उससे छोटी डिजिट, वो है 8, फिर उससे छोटी 4 और उससे छोटी 3, तो 9843 हुई हमारी लार्जेस्ट डिजिट। उसके बाद हम देखेंगे बनाएंगे स्मॉलेस्ट डिजिट, तो उसके लिए हम इसका सबसे इन चारों में से सबसे स्मॉलर डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 3, फिर उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 8 और उससे बड़ी 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें इसका निकालना है डिफरेंस, यानी इसे हम माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आया, हम इसे कर देंगे माइनस, 3 में से 9 गए तो कितना बचा, 3 में से 9 नहीं जा सकते तो हम लेंगे इसमें कैरी, अब हम कैरी लिया 4 से तो यहाँ हो गए 13, 13 में से 9 गए कितना बचा, 4, 13 में से 9 गए तो 4 बचे। अब हमने 4 में से 3 के लिए कैरी लिया था तो यहाँ रह गए 3, 3 में से 8 नहीं जाएंगे, मैं इसे यहाँ पे रफली सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पे 9, 8, 4, 3 और है 3, 4, 8, 9, मैं इसे रफली सॉल्व कर रही हूँ, 3 में से 9 नहीं जाएंगे, हमने यहाँ कैरी लिया, यहाँ हो गया 13, 13 में से 9 गए तो बचे 4, अब 4 में से हमने काटा तो यहाँ रह गए 3, 3 में से 8 नहीं जा सकता तो 8 से हमने कैरी लिया, यहाँ हो गए 13, 13 में से 8 गए 5 बचे, यहाँ रह गए 7, 7 में से 4 गया 3 बचा और 9 में से 3 गए 6 बचे, ये आ गया हमारा डिफरेंस 6354।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें 2494 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे 6354 प्लस 2494 इज इक्वल्स टू, में हम करके देख लेंगे रफ साइड पे 2494, 4 में 4 प्लस किया तो कितना आया 8, 5 में 9 प्लस किया तो 4 कैरी लगा, 5 में 9 प्लस किया तो आया 11, 5 में 9 प्लस किया तो 14 आया, 14 की 4 कैरी लगी 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 6 और 2 8, तुम्हारा आंसर आया 8848, ये आया हमारा आंसर। तो बच्चों आपके क्वेश्चंस अब यहाँ पे ख़त्म हुए, आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन नोटबुक, आपके ये 6 के 6 क्वेश्चन ए टू एफ कंप्लीट सैटरडे को चेक होंगे, तो सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू।